गत दिनों दिल्ली के वसंत विहार में हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले को सुलझाते हुए एक लड़का और एक लड़की को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते रविवार को वसंत विहार के एक फ्लैट में बुजुर्ग दंपति के साथ साथ उनकी केयर टेकर का शव मिला था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन तीनों की हत्या लूट के मकसद से की गई थी। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाका वसंत विहार में बीते दिनों हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस ट्रिपल मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुग्राम में एक लड़का और एक लड़की को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक बाइक और ज्वेलरी समेत नकदी भी बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े यह दो वही आरोपी है जिन्होंने वसंत विहार में हुए ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। इन दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों हत्याएं लूट के मकसद से की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार महिला बुजुर्ग दंपति की जानने वाली थी, वहीं उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़का इससे पहले भी हत्या के एक मामले में आरोपी रह चुका है। गौरतलब है कि दिल्ली के वसंत विहार में बुजुर्ग दंपति और नौकरानी समेत तीन लोगों की शनिवार देर रात हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद रविवार सुबह उनका शव बरामद हुआ था। वसंत विहार मर्डर केस में बुजुर्ग विष्णु माथुर CGHS ने रिटायर थे और वहीं उनकी पत्नी शशि माथुर NDMC से रिटायर हुई थी। वहीं बात करें तो नौकरानी का नाम खुशबू नोटियाल बताया जा रहा है। रुक जाओ यार। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने जो 22 और 23 जून की रात को वसंत विहार पुलिस स्टेशन के इलाके में जो बसंत गांव में एक एल्डरली सिटीजन सीनियर सिटीजन कपल का और उनकी नर्सिंग अटेंडेंट का जो मर्डर हुआ था उसको सॉल्व कर लिया है। इसमें अभी दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक है प्रीति शरावत, उसकी एज 42 साल के करीब है, और इसके साथ ही था एक मनोज भट्ट, उम्र करीब 39 साल। जो प्रीति शरावत है, ये जो डिसीज्ड कपल है इनके फैमिली फ्रेंड्स की बेटी है। इसकी मदर और जो डिसीज लेडी थी देवर ये इकट्ठे थे, नर्सिंग अटेंडेंट्स थे, और इनके फैमिलीज के आपस में आने जाने के टर्म्स के इसकी ये अभी इसकी वाज लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड सिंस लास्ट अबाउट पिछले करीब 12 साल से अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, और करीब 3 साल से ये जो है मनोज भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थी और रह रही थी। इन्होंने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया, एक पेइंग गेस्ट हाउस का बिजनेस शुरू किया, जो कि इनका फेल हो गया और उसमें इन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया, और उस नुकसान को पूरा करने के लिए इनको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। और इसमें जो है इन्होंने ये टारगेट सेलेक्ट किया, और टारगेट सेलेक्ट करने के बाद इंसिडेंट से करीब 4-5 दिन पहले 17 जून को ये जो लेडी है प्रीति शरावत, ये डिसीज कपल के घर गई और इनफैक्ट उस पूरी रात वो वहीं रही। उस टाइम उसने रेकी किया और इनकी जो बेटी है उससे भी, जो नर्सिंग अटेंडेंट खुशबू थी, उसके फ़ोन से बात की। उसके बाद जो है इंसिडेंट से एक दिन पहले 21 की रात को भी, ये रात को दोनों फिर से इस बार मनोज भट्ट भी उसके साथ आया और ये बाहर आके इनका घर देख के गए, और उस दिन रात को करीब 11:30 बजे के करीब ये आए, और उसके बाद जो है इन्होंने पहले प्रीति शरावत जो है वो ऊपर गई, उसने जो है घर खुलवाया, उसके बाद इसने इनको अपने साथी मनोज भट्ट को भी बुला लिया और मौका पाके इन्होंने जो है तीनों का मर्डर किया। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो भी इनको सामान मिला, इन्होंने अलमारियाँ वगैरह चेक की और जो सामान मिला उसको लेके ये वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद ये वापस जो है गुड़गांव के घर में गए अपने, और वहाँ पे सुबह इसने एक होटल बुक किया, उस होटल में चेक इन किया, 2 दिन ये उस होटल में रही। कल फिर से इन्होंने एक दूसरे होटल में शिफ्ट किया और उसके बाद फाइनली हमने इनको ट्रैक करके इनको अरेस्ट किया। तो इसमें अभी जो है कुछ जो ज्वेलरी आइटम जो चोरी हुआ है वो हमने बरामद इनसे कर लिया है।
जो मोटरसाइकिल जो वारदात में यूज़ हुई है, जिससे इन्होंने आने जाने के लिए यूज़ किया था, वो बरामद कर ली गई है। और जो स्लिंग बैग, आप में से शायद कईयों ने शायद वो सीसीटीवी फुटेज देखा हो, जो इसने कैरी किया था, वो बरामद कर लिया गया है। बाकी जो है तफ्तीश अभी जारी है, इन दोनों को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया है, पड़ताल कर रहे हैं। सर मारा की वजह क्या, लूटपाट की वजह थी या कोई और? इनको पैसे की जरूरत थी और इनको लगा कि ये यहाँ से हमको पैसा और ज्वेलरी मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये कार्रवाई। सर पूरी वारदात का सीक्वेंस क्या था? सर कैसे आए, कैसे ये दोनों मोटरसाइकिल पे आए हैं? मोटरसाइकिल पे आने के बाद जो है ये लेडी जो है वहाँ से मुंह इन्होंने ढका था, उसने लेडी ने अपने दुपट्टे से मुंह ढका था, उसने अपना जो है हेलमेट से ढका था। बीच में कुछ टाइम के लिए उतर भी जाता है, जब उसके बाद वो कोने पे लेडी उतरती है, वो वहाँ से पैदल आती है, ये मोटरसाइकिल पहले सामने लगाता है, उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद वापस आके ये मोटरसाइकिल वापस लेके जाता है, दूर दूर कहीं पे लगाता है, ही उसके बाद ये नीचे वेट करता है। मीनवाइल ये ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर फ्लैट है, वहाँ पे जाके ये दरवाज़ा खुलवाती है अकेले, और अकेले खुलवा के ये अंदर जाती है। वहाँ पे उस टाइम जैसा कि इन्होंने हमसे कन्फेस किया है, उसके हिसाब से जो है ओल्ड लेडी उस टाइम जगी हुई थी, उससे इसने बातचीत भी की है, और उसके बाद वो सोने चले गए। इसने मीनवाइल जो है इसने उनको बताया कि मेरा दोस्त भी आया हुआ है, तो उसने उसको भी ऊपर बुला लिया। उसके बाद इन्होंने चाय बनाने के लिए कहा है, जो मनोज भट्ट है वो अपने साथ एक पेप्सी की बॉटल में एक थोड़ा सा लिकर भी मिला के लेके गया था, उसने वो भी लिया है। उसके बाद मौका मिलने पे जो है चाय बनने के बाद जो है उसने इसको पहले जो है नर्सिंग अटेंडेंट जो खुशबू थी उसको उसने स्टैब करके किल किया है, और उसके बाद जो है इसने जो ओल्ड कपल जो था अपने बेडरूम थे में था, वहाँ पे इन दोनों का मर्डर किया गया। सर ये लोग लेट नाइट गए थे? लड़की जो है प्रीति सरावत जो है उनके घर गई थी और रात को पूरा रात रुकी थी, वो उस टाइम फेमिलियराइज होने ही गई थी, तो उस दिन वो खुशबू से भी ठीक से मिल रही थी, साथ में रही थी, तो उसने जब उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा तो उसने ज़्यादा उसमें वो नहीं किया, क्योंकि वो पहले मिल चुकी थी, जानती थी, और तो उसने दरवाजा खोल दिया, उस टाइम वो अकेली थी। उसके बाद उसने कहा कि मेरा दोस्त भी आया, वो उसने उसको ऊपर। सर आपने पकड़ा? सर वेपन कौन सा था, क्या साथ लेके गए थे या फिर घर के ही थी? यहाँ पे जो है हमको पहला जो क्लू मिला था वो जो जब हमने डिसीज्ड कपल की बेटी से बात की, तो उसने हमको ये बताया कि ऐसे ऐसे जैसे हम पूछते हैं कि पिछले दिनों में कौन आया था, क्या है, कोई सर्वेंट ये वो, कई तरह की हम चीज़ें पूछते हैं अनजान आदमी, तो उसमें इस लेडी का भी नाम आया जो काफ़ी टाइम के बाद बगैर कोई कारण से इनके घर पे मिलने आई थी, और एक दिन ऑलमोस्ट पूरा रही, रात भर रही और अगले दिन गई। वहाँ से हमारा जो है शक का दायरे के अंदर ही आई। उसके बाद उसकी जब तफ्तीश चालू हुई, उसकी मूवमेंट्स वेरीफाई की गई और दूसरी चीज़ें की गई, तो उनका कंडक्ट डाउटफुल था और कई चीज़ें ऐड होती गई इसके साथ में, जो हम अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम अभी इस स्टेज पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। उसके बेसिस पे हमको क्लियर हो गया कि इन्होंने ये किया है, उसके बाद हमने इसको ट्रैक डाउन करके। और 17 तारीख को जब आई थी तब भी सीसी आ जाएगी तो आपको फाइनल। सर जब ये घटना हुई थी तब लोकल पुलिस ने ये बोला था कि कोई लूट का एंगल नहीं दिख रहा है, कोई लूट की वारदात नहीं हुई है, आज जब आप पीसी कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि लूट की वारदात हुई और उन्होंने सामान लूटा है। ये जो फैक्ट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम उनको जो अप्रोप्रिएट लगा, उस टाइम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, हो सकता है वो भी इसके बारे में काम कर रहे हों। जब भी आप तफ्तीश करते हैं आप हर एंगल से काम करते हैं, तो उसमें ऐसी और इसीलिए कमिश्नर साहब ने अलग अलग टीमें भी कॉन्स्टिट्यूट की थी विद स्पेसिफिक टास्क क्या क्या करना है। हमारी भी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, क्राइम ब्रांच से इस पर काम करने के लिए कहा गया था। लोकल पुलिस ने भी अपनी तरफ से तफ्तीश की है, पूरी तफ्तीश की है, अबकी बार जो है क्राइम ब्रांच के साथ। सर मनोज पत्नी के मर्डर केस में, मनोज जो है पत्नी के मर्डर में 4 साल बता रहे हैं कि जेल में रह चुका है, हम अभी फैक्ट्स वेरीफाई कर रहे हैं, जब फैक्ट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो हम आपको बता रहे। ये हमने मैं बता चुका हूँ आपको, एक पल्सर मोटरसाइकिल हमने ब्लैक कलर की बरामद की है, जो घर से कुछ ज्वेलरी गई थी वो हमने बरामद की है, हम आपको प्रेस रिलीज में डिटेल दे देंगे। जी मैम वो तो वैल्यूएशन करवाने के बाद ही पता लगेगा, बट हमने ज्वेलरी सीज की है जो कि उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ से जो है लूटी है, और उसके बाद उसकी फर्दर कार्रवाई की जाएगी। कैश भी लेके गए थे सर? कैश भी लेके गए थे? कैश करीब 86,000 के करीब कैश रिकवर हुआ है।
आपको डिटेल जो भी रिकवरी है विल प्रोवाइड इन द प्रेस। मर्डर का मामला इसके अंदर क्यों आ रहा है, वो तो ग्रोथ करने की स्थिति में नहीं था, पहचान हो जाता है। ये कोई भी अपना सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, इनके बारे में इससे बातचीत की जा रही है। सर वेपन क्या मिला? क्या था सर मर्डर वेपन? मर्डर वेपन क्या था? इससे मारा था इनको मतलब बेसिकली दो तरह के थे, ऐसी बात आ रही थी। क्या है, कुछ और चीज से मारा गया या घर से नहीं या लेकर आए थे, जिसको कि कई सारे बॉडी पहले से थी मतलब, या फिर नहीं इन्होंने शार्पेस्ट वेपन यूज किया है, इसके बारे में फर्दर हम तफ्तीश करके आपको। किचन नाइफ भी थी सर? नहीं पूरी डिटेल अभी हम वेपन रिकवर हुआ सुबह ही हमने वेपन रिकवर हुआ है सर वेपन रिकवर हुआ है फर्दर डिटेल्स जो है सर मोबाइल को चारों मोबाइल